जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। इसको लेकर कई बार कई तरह की जिज्ञासाएं देखने सुनने को मिलती हैं और बार बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि जब हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है, उसके बाद भी क्या नवग्रह की शांति आवश्यक है? क्या जो नवग्रह हैं ये क्या हमारे जीवन पे उसके बाद भी प्रभाव डालते हैं? या ग्रहों की जब दशा बदलती है, दिशा बदलती है, तो क्या इसका असर हनुमान जी के भक्तों पे भी पड़ता है? इसको लेकर तमाम तरह की बातें समय समय पे उठाई जाती हैं और पूछी जाती हैं कि इसका क्या निराकरण हो सकता है। हनुमान जी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों के जीवन में कुछ भी दुर्गम, कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी परम दयालु हैं। इनकी शरण में जाने के बाद इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हनुमान जी के भक्तों के लिए अप्राप्य हो। हनुमान जी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने भक्तों को ना दे सकते हों, अदेय हो, क्योंकि सर्वसमर्थ है हनुमान जी। सर्वसमर्थ का तात्पर्य यही है कि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी के बारे में अब तक जो हमने जाना है, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो संतों के मुख से निरंतर हम सुनते हैं, ये सब उनके निज अनुभव होते हैं। हनुमान जी तो इससे भी परे हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि क्या शनि की पीड़ा, राहु केतु की महादशा, अंतरदशा जब चलती है, या कोई भी क्रूर ग्रह का विपरीत प्रभाव जब हमारे जीवन पे पड़ता है, तो क्या हनुमान जी की पूजा से वो सब ठीक हो जाता है? तो इसका उत्तर है हाँ। कई बार ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और दिशा को ठीक करने के लिए यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, तमाम तरह के उपाय करते हैं, ज्योतिषियों की शरण में जाते हैं। ज्योतिष एक विद्या है और कई बार हम इस विषय पे भी कुछ ज्योतिषियों से बातचीत करते हैं। वो सिर्फ इसलिए भी होता है कि हम किसी क्रियाकलाप में लग जाएं, किसी उपाय में लग जाएं और तात्कालिक तौर पे हमारे मन को शांति मिल जाए और एक धैर्य बंध जाए, और उसके बाद करना तो सब हनुमान जी को ही होता है। कई बार कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन ये फलित क्यों नहीं हो रहा? तो पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति आपको जो भी उपाय बताता है, खासकर ज्योतिषी अगर बताते हैं, तो ज्योतिषी सिर्फ भविष्य दृष्टा होते हैं, भविष्य निर्माता नहीं। वो सिर्फ बताते हैं कि यहाँ पर ये व्यवधान है, ये परेशानी है, उसके बाद इन उपायों को आप कीजिए, इस पूजा को कीजिए। लेकिन आपको फल प्रदान करने वाले तो ईश्वर ही हैं, हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी जब चाहेंगे तभी जाकर के चीज़ें बदलती हैं। इसलिए कुछ भी गारंटेड जैसा नहीं होता कि कोई ज्योतिषी अगर कुछ कह दे कि हाँ ये गारंटेड है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि करने वाले हनुमान जी होते हैं। ज्योतिषी निर्माता नहीं है, वो सिर्फ दृष्टा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, उसको अगर ध्यान से सुना जाए, उस पर भरोसा किया जाए, विश्वास किया जाए, तो निश्चित ही आप जानिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्री हनुमान चालीसा में लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई और सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, कि हनुमान जी की कृपा से सभी ग्रहों की अनुकूलता भी हमें प्राप्त हो जाती है, सभी अनुग्रह हमें प्राप्त हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? चूँकि कर्म कांड में जो शास्त्रीय विधान है नवग्रहों की पूजा का, नवग्रहों की शांति का अपना विशेष महत्व है, लेकिन जो हनुमान जी के साधक हैं, जो हनुमान जी के पुजारी हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जिनके स्मरण में नित्य हनुमान जी रहते हैं, उनके लिए किसी अलग से विशेष आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो कर्मकांड करें तो नियमों के तहत वो कर सकते हैं, पंडित जी के द्वारा कराया जाता है, वो ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति के, उस भक्त के जीवन में अपरोक्ष रूप से इन नौ ग्रहों की कृपा भी प्राप्त हो रही होती है। ये सभी ग्रह प्रतिकूल प्रभाव नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि ये ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। हनुमान जी स्वयं 11वें रुद्रावतार हैं और देवताओं के जो सेनापति हैं,
मंगल देव, मंगल के कारक जो हैं वह हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की पूजा आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी मंगल का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता, मंगल देव वैसे ही अनुकूल हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल जनित अगर परेशानी है और वह हनुमान जी की शरण में है तो मंगल ग्रह की अनुकूलता उसे प्राप्त होने लगती है, सिर्फ हनुमान जी के शरण में जाने मात्र से, हनुमान जी की पूजा आराधना करने मात्र से, हनुमान चालीसा के पाठ करने मात्र से, क्योंकि हनुमान जी कारक हैं मंगल ग्रह के, और जो मंगल ग्रह है वो देवताओं के सेनापति हैं। तो मंगल ग्रह प्रतिकूल प्रभाव दे हनुमान जी के साधकों को, भक्तों को, ये हो नहीं सकता। बहुत लोग सूर्य जनित पीड़ा से परेशान होते हैं। भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं और बाल्यावस्था में सूर्य को भी निगल लिया था हनुमान जी ने। लिल्लो ताही मधुर फल जानी, मधुर फल समझकर हनुमान जी निगल गए थे, और उसके बाद हम सभी को पता है कि किस प्रकार से फिर सूर्यदेव को हनुमान जी ने बाहर निकाला और फिर ये जगत प्रकाशित हुआ। तो जो हनुमान जी के शरण में हैं उन्हें सूर्यदेव की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसमें अलग से किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ हम हनुमान जी की शरण में चले जाएं, हनुमान जी चालीसा का पाठ करें तो भगवान सूर्य की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। सबसे ज़्यादा जो लोग डरते हैं भगवान शनि से, चूँकि शनि न्याय के देवता हैं, हमारे कर्मों के अनुरूप वो फल प्रदान करते हैं। दंड का ऐसा विधान बनाया गया है ईश्वर द्वारा ही कि शनि, जो भी जीव अगर कुछ गलत कार्यों में संलग्न है, उसके आचरण गलत हैं, उसके कार्य गलत हैं, तो कर्म फल के तहत भगवान शनि दंड देते हैं। लेकिन जो ही व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाता है तो हनुमान जी का शरणागत होते ही, हनुमान जी की कृपा होते ही, पहले तो कुमति उसकी हट जाती है, सुमति आ जाती है, और वो व्यक्ति बदल गया होता है या बदल रहा होता है। तो जो ही व्यक्ति हनुमान जी की शरण में है शनि का प्रकोप कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, वो शनि के दंड से बच जाता है। जो कि प्रारब्ध के तहत जो भी हमारे कर्म हैं उसके तहत दंड का विधान बनाया गया है, लेकिन दंड का मतलब लोगों को कष्ट देना नहीं, सुधारना है। व्यक्ति अगर सुधर जाए तो फिर दंड का कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता, और वो व्यक्ति शनि के दंड से बच जाता है। शर्त यही है कि वो बदल गया हो, वो सुधर गया हो, शरणागत हो गया हो। शरणागत का अपना कुछ शेष बचता नहीं है, उसका स्वयं का कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है उसका हो जाता है जिसके प्रति उसकी शरणागति है। अब उसका सारा जिम्मा स्वयं हनुमान जी उठाने लगते हैं, तो शनि जनित पीड़ा से वो व्यक्ति पूरी तरह बच जाता है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐश्वर्य की कमी होती है, धन संपदा की कमी होती है, सुख संपत्ति नहीं होता, जीवन सुविधाजनक नहीं होता, और इसके जो कारक ग्रह हैं शुक्र हैं, और शुक्र के जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी ने हनुमान जी को स्वयं ये वरदान दिया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। तो जो हनुमान जी की शरण में है शुक्र की भी अनुकूलता प्राप्त होने लगती है, उसके जीवन में ऐश्वर्य, सुख संपदा, हर प्रकार के ऐश्वर्य उसे प्राप्त होने लगता है। ये हनुमान जी की शरणागति का एक लक्षण है कि व्यक्ति के जीवन में यह सब दृष्टिगोचर होने लगता है, सब दिखने लगता है, बदल जाता है, जीवन बदलने लगता है, तो शुक्र की अनुकूलता भी प्राप्त हो जाती है। और सोमदेव, सोमवार, जिसके कारक देवता भगवान शिव हैं, और हनुमान जी तो स्वयं रुद्रावतार हैं, उन्हीं भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी, तो सोमदेव की कृपा तो हनुमान जी की शरण में जाते ही प्राप्त हो जाती है। गुरु की पीड़ा, भगवान बृहस्पति यानी गुरु अगर ठीक ना हो व्यक्ति के जीवन में, वो अगर प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हो तब भी जीवन सही तरीके से व्यक्ति व्यतीत नहीं कर पाता। लेकिन जो गुरु के कारक देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं, श्रीहरि हैं, और प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, और हनुमान जी के वो इष्ट देव हैं। और प्रभु राम ने स्वयं हनुमान जी से कहा है कि वो उऋण नहीं हो सकते, ऋण मुक्त नहीं हो सकते,
हनुमान जी के। इसलिए हनुमान जी की शरण में जाने के बाद प्रभु श्री राम, भगवान विष्णु की कृपा, गुरु की कृपा स्वयं ही प्राप्त होने लगती है। और चंद्र और बुध तो सूर्य के मित्र ही हैं, तो जब सूर्य की कृपा होती है तो चंद्र और बुध की कृपा उस व्यक्ति को तो स्वतः मिलनी शुरू हो जाती है। और जिसे हम क्रूर ग्रह कहते हैं, छाया ग्रह कहते हैं, राहु और केतु, जो भी दुर्गा सप्तशती का भक्त पाठ करते हैं तो माता से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। और राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो देवी दुर्गा की आराधना से राहु और केतु शांत हो जाते हैं। एक तो इस अर्थ में भी देखें तो महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी जो पुत्र मानती हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी की शरण में जाने के बाद स्वतः महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है और राहु केतु की पीड़ा समाप्त हो जाती है। और हनुमान जी से राहु और केतु स्वयं दूर भागते हैं। इस बार एक बार कथा आती है कि राहु हनुमान जी से बचते हुए इंद्र के पास जाकर छुप गए थे, और हनुमान जी के भक्तों को राहु और केतु पीड़ा पहुंचा दें, इतनी मजाल कहाँ राहु और केतु में। तो राहु और केतु भी अनिष्ट नहीं करते हनुमान जी के भक्तों का। तो सभी ये जो नवग्रह हैं, ये सब हनुमान जी के कुछ भय से, कुछ उनकी कृपा प्राप्त हैं, कुछ जो ग्रह हैं उस वजह से, कुछ हनुमान जी के कुछ इष्ट ही हैं इस वजह से। तो कुल मिलाकर ये नौ ग्रह हनुमान जी के भक्तों को अनुग्रह प्रदान करते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, और सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद सभी ग्रहों के अनुकूलता, सब अनुग्रह प्राप्त होने लगता है, कहीं कोई ग्रह आपको पीड़ा नहीं पहुंचाते। इसलिए आप बहुत सारे उपाय करके, बहुत सारे इधर उधर के चक्कर लगाकर, पैसे खर्च करके आप परेशान हो गए हो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमसे तो लोगों की बातें होती हैं तो हम तो एक मात्र कहते हैं कि हनुमान जी की शरण में जाएं, लेकिन अब जब इस तरह की दुविधा खड़ी होती है भक्तों के सामने, ये प्रश्न आने लगते हैं कि हम तो इतने दिनों से पाठ कर रहे हैं, अभी कुछ बदल नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को फिर क्रिया में उतारना आवश्यक हो जाता है। और उसके बाद फिर अलग अलग ये उपाय बताए जाते हैं, किस ग्रह का आप कर लीजिए, उस ग्रह की ये पूजा कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, कि धीरे धीरे बेचैन मन को एक शांति मिले, एक संबल मिले, और उसके बाद ये भक्ति धीरे धीरे बढ़े। और बदलेगा जीवन तो तभी जब हनुमान जी कृपा करेंगे, और जब हनुमान जी कृपा हो जाती है तो ये नौ ग्रह तुरंत शांत हो जाते हैं। इसी कड़ी में कुछ बातों की ओर भी मेरा ध्यान जा रहा है, आप ये चाहे तो साथ में ये भी उपाय कर लीजिए, और भी अच्छा रहेगा। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, तो आप नीले कपड़े में तिल बांध दीजिए, नीला कपड़ा लेकर के उसमें तिल बांध कर, और मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के पास जाइए मंदिर में, और वहाँ चढ़ा दीजिए, एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि जो भी हमारे संकट है, जो भी परेशानी है, हनुमान जी आप इसे दूर कर दीजिए। बूंदी का लड्डू हम सभी हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो बूंदी के लड्डू पर 4 लौंग, फूल वाला लौंग लगा करके आप हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। जीवन में आ रही कठिनाइयाँ इससे भी दूर हो जाती हैं। किसी भी मंगलवार या शनिवार को उस लड्डू पे 4 लौंग लगा करके, अगर आप 5 लड्डू चढ़ा रहे हैं तो 5 लड्डू पर 4 लौंग ऐसे करके लगा दीजिए और हनुमान जी को अर्पित कीजिए। जीवन में मंगल ही मंगल होगा। कई बार बहुत तरह की परेशानियां होती हैं, कर्ज भी चढ़ जाता है, पैसे का अभाव होता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का जो हम दीपक जलाते हैं, उस सरसों के तेल में अगर नील मिला लिया जाए, नील, क्योंकि जो नीला होता है नील, सरसों के तेल में नील मिला करके अगर हनुमान जी के सामने दीप जलाया जाए, दीपक जलाया जाए, और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो हनुमान जी की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है, और तमाम तरह के जो ग्रह जो अनिष्ट प्रभाव दे रहे हैं, प्रतिकूलता दिखा रहे हैं, वो आपके अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा, हनुमान जी हमारे चिंतन में आएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि सभी नौ ग्रहों की अनुकूलता हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी को ऐसा वरदान मिला है। हनुमान जी की शरण में जाने वालों को शनि, राहु, केतु,
ये अनिष्ट करें, अमंगल करें, ये हो नहीं सकता। इसलिए सब ओर से किंतु परंतु छोड़कर, हर ओर से निराशा का भाव हटाकर, किसी प्रकार का शक और तमाम तरह के जो मति भ्रम हो जाती है व्यक्ति की, उससे निकल करके एकमेव हनुमान जी की शरण में जाएं, निश्चित तौर पे सभी अनुकूलताएं आपको प्राप्त होंगी और आपके जीवन का ध्येय मिल जाएगा। सही अर्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इन चारों का संतुलन बैठ जाएगा जीवन में। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। जय सियाराम।